तो दुपट्टा मारने की कोशिश करते हैं। दुपट्टा साइड में रखिए। ये माँ इसी के तीन बच्चे हैं, जो तीनों देखे थे ना वो बच्चे हैं। दुपट्टा मारेगी। तो मैं बोला था ना ये जाली पे ही चढ़ता है। यह इंसान का जो गंध रहता है ना, ये टाइगर जो है मांसाहारी, ये तुरंत ये सुन लेते हैं। मैं उस समय नंदनवन जंगल सफारी और जू में, अभी अभी मैंने सफारी कंप्लीट की है और अब मैं जू घूमने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने पे किया है सफारी प्लस जू 150 रुपीज। सफारी मेरी ऑलमोस्ट एक घंटे में कंप्लीट हो गई और अब देखते हैं जू में कितना टाइम लगता है। तो चलिए आइए चलते हैं जू की सैर पे। दोस्तों, जू काफ़ी क्लीन था, वेल मेंटेन था, देखकर काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स थे सारी काफ़ी अच्छी तरीके से रखे गए थे। जू को घूमने के बाद मैंने कुछ क्लिप्स जंगल सफारी के डाले हुए हैं। जंगल सफारी ये आप देख पा रहे हैं, एशियाटिक लायन। जंगल सफारी में दोस्तों एसी और नॉन एसी बस का ऑप्शन होता है। मैंने नॉन एसी का बस का ऑप्शन लिया था ताकि मैं चीजों को अच्छे से देख सकूं और पिक्चराइज कर सकूं। वहां पर बस में एक गाइड भी मिला था जो डिस्क्राइब कर रहा था हम लोगों को सारे एनिमल्स के बारे में। और उसी दौरान एक लेडीज का साड़ी थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी, जिसको देखकर एक टाइगर हमारी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसने हमारी बस में अटैक करने की कोशिश की। ये वीडियो क्लिप भी सारी जंगल सफारी की वीडियो क्लिप में है, इसलिए आप सारी जंगल सफारी की वीडियो क्लिप्स देखें। वितरण करते हैं जो अपने उम्मीद के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि पास से देख सकते हैं या दूर से देख सकते हैं, ऐसा रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे हिरण वगैरह देखते हुए जाएंगे, ठीक है। ये हाथी बड़ा सफारी है, ये चारों तरफ से जाली से घिरा हुआ है और सफारी के अंदर भी रोड बनाएगा घर से कर सलमान खान मना पड़ा है। और इसी के आगे में देखेंगे नील गाय भी दिखेगा। नील गाय जो दिखता है घोड़े टाइप से और उसके गले के नीचे में दाढ़ी जैसा भी रहता है। हमारे काम तो जब बंद होने के बाद वहीं पे उनको खाना दिया जाता है। इधर ही देखो ना, उसी साइड में बताओ।
बाइक मेरी बाइक रोक दो ना ले लो ओ माय गॉड। और यहाँ टाइगर जो है 9 प्रजाति का पाया जाता है, जो उसमें बचे हुए 6 प्रजाति जो 3 प्रजाति है विलुप्त हो चुके हैं। जो यहाँ पे जो रखा गया है ये रॉयल बंगाल टाइगर है, जो व्हाइट टाइगर देखते हैं ना वो भी रॉयल बंगाल टाइगर है। ओहो रियल एकदम। दुपट्टा मारने की कोशिश करते हैं, दुपट्टा साइड में रखिए। ये माँ इसी के तीन बच्चे हैं, जो तीनों देखे थे ना वो बच्चे हैं। तुमने बोला था ना ये जाली पे ही चढ़ता है जाली पे। यह इंसान का जो गंध रहते हैं ना, ये टाइगर जो है मांसाहारी, ये तुरंत ये सुन लेते हैं। सामने ही तो है, सामने गाड़ी के सामने ये वो तो दावत कभी भी आ सकती है ना, इसलिए मुंह फाड़ के रखते। अब दिख रहा है क्या? ये देखो नहीं देखा, ये तो है दोनों, ये बैठा है, इसको दिखा दो, ये बैठ रहे हैं यहाँ। मोबाइल कनेक्शन आ रहा है, मगर सुनो शांत रहना ठीक है, दहाड़ रहे नहीं दे रहा है, दहाड़ रहे उसको सुनो रहे आने के लिए। सामने जो देख रहा है ना ये माँ है, दूर तो हाथ थोड़ा दूर रखो भैया, हाथ पीछे रखो थोड़ा। वीडियो के एंड में मैंने कुछ जरूरी जानकारी डाली हुई है सफारी के बारे में, तो वीडियो आप लोग एंड तक देखिए। और ये सफारी की दूसरी तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है जहाँ पर बोटिंग भी होती है। मैं तो समय की कमी के चलते बोटिंग पे नहीं जा पाया, लेकिन आप लोगों के लिए बोटिंग की फोटो, बोट की फोटो और इसके रेट्स लिखे हुए हैं, जहाँ पर टाइमिंग्स लिखे हुए हैं उसकी मैंने फोटो डाली हुई है, तो आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। अभी अभी मैं बाहर निकला हूँ नंदनवन जंगल सफारी से। ये न्यू रायपुर में लोकेटेड है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वाइल्ड एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट में देखना। लेकिन यहाँ पर 4 बजे से पहले आ जाना चाहिए, 4 बजे ये बंद हो जाता है। और सामान रखने के लिए यहाँ पर टिकट घर के पीछे बना हुआ है, तो वहाँ पर फ्री में सामान भी रख सकते हैं। ऑल इन ऑल मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और एक बार बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए।